वहीं बात फरीदाबाद से सटे बल्लभगढ़ की, जहां एक ओर पूरा देश न्यू ईयर मना रहा था, वहीं बल्लभगढ़ के हरी विहार कॉलोनी में रहने वाली 27 वर्षीय महिला ने पंखे के हुक से चुन्नी बांधकर अपने आप को फांसी लगा ली। मामला बीती रात का है, जहां वे कंपनी से काम करने के बाद घर लौटी थी। इसके बाद पति उसके लेट आने पर आग बबूला होता हुआ दिखाई दिया, उसके साथ झगड़ा किया। झगड़े के बाद दोनों ही कमरे में आराम से सो गए, जिसके बाद पति सुबह 5:30 बजे जागा, पर उसने देखा कि उसकी पत्नी ने पंखे के हुक से चुन्नी बांधकर फांसी लगा रखी है। उसके बाद उसने अनफानन में अपने आस पड़ोस में बताया। पास पड़ोस वालों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला को नीचे उतारा और उसके बाद मामले की जांच की। वहीं पुलिस का कहना है कि पुलिस को सुबह सूचना मिली एक महिला ने फांसी लगाई हुई है। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने देखा कि महिला ने पंखे के हुक से चुन्नी बांधकर अपने आप को फांसी लगा रखी है। अच्छा, तो साहब एक डेड बॉडी मिली है, फांसी लगाई, क्या सारा मामला? अभी इसके परिवार वाले आ रहे हैं मथुरा से, तो अभी तक जो पता लगा है इसके पास के, इसके पति ने बताया कि इसने रात को ये सो गए थे 2:30 बजे, करीब 2:30 बजे न्यू ईयर सेलिब्रेशन करके सुबह उठे थे, जब उसको फांसी लगी। हमें पुलिस को 9 बजे करीब इत्तला मिली, मौके पे आए तो ये उतारी थी डेड बॉडी नीचे। तो अब इसकी जैसी परिवार वाले की जैसा इसका वो कहेंगे, आगे इसको तुरंत समन मिलाई। किस चीज़ से फांसी लगाई थी, क्या कोई लड़ाई झगड़ा था या फिर? अभी ऐसी कोई बात लड़ाई सामने नहीं आई है, अभी तो सिर्फ चुन्नी से फांसी लगाई है इसने, लड़ाई झगड़े वाली बात अभी कोई सामने नहीं आई है। कितनी उम्र है महिला की? उम्र की 28 साल उम्र। कहाँ की रहने वाली है? ये मथुरा के पास गाँव है, उधर की रहने वाली, और इधर ही जेवर के पास भी आई हुई, यहाँ किराए पे एक कमरे में रहते थे दोनों मियाँ बीवी, अलग अलग फैक्ट्री में काम करते थे। इसके दो बच्चे हैं, दो बच्चे। अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस अभी हम इसकी 174 की कार्रवाई कर रहे हैं, और आगे जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई होगी।